भाई सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं चरखी दादरी ज़िले के जो फतेहगढ़ जो रेलवे स्टेशन है वहां पे अभी मैं मौजूद हूं। और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक भारत बंद का जो है वो आह्वान किया था। अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन से लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और यहाँ की अगर हम बात करें तो किसान जो है वो भारी तादाद में किसान यहाँ पे पहुँचे हैं और रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से जो है वो जाम कर दिया गया है। और किसानों की तरफ से जो है इस ट्रैक पे दोनों तरफ जो है लाल झंडी भी लगाई गई है। जैसे ही जो रेलवे के जो अधिकारी होते हैं वो झंडी लगाते हैं रेल को रोकने के लिए, वैसे ही दोनों तरफ जो है वो झंडी भी किसानों की तरफ से लगाई जा चुकी है। फिलहाल अगर हम बात करें तो हमने जो है सांगवान खाप की जो सेक्रेटरी है उनसे बातचीत की है और उन्होंने बताया है कि जो है जो पुलिस प्रशासन बहुत ही और यहाँ पे जो है टकराव की कोई भी स्थिति नहीं बताई जा रही है। पूरा जो चक्का जाम है रेलवे का जो चक्का जाम यहाँ पे किया गया है वो एक शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो उनकी तरफ से किया गया है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो पुलिस फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो चरखी दादरी पुलिस यहाँ पे मौजूद है और रेलवे के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और भी बहुत सारी टीमें जो है वो यहाँ पे चप्पे चप्पे पर जो है वो नज़रें गड़ाए हुए हैं ताकि कोई असामाजिक तत्व जो है कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दे दे जिससे कि प्रशासन को भी शर्मिंदा होना पड़े और जो है किसान आंदोलन को भी शर्मिंदा होना पड़े। फिलहाल अगर हम तस्वीरों की अगर हम बात करें तो करीबन 500-600 की तादाद में जो किसान है वो रेलवे ट्रैक पे पहुंचे हैं और एक दादरी और भिवानी जो है उसके बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है फतेहगढ़ हरियाणा, वहाँ पे जो है किसान यहाँ पे पहुँचे हैं। फिलहाल तस्वीरों में हम आपको एक बार जो रियर कैमरा है उससे आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो तस्वीरें हैं ये आप फतेहगढ़ हरियाणा रेलवे स्टेशन से अभी लाइव तस्वीरें आप हरियाणा 36 लाइव के फेसबुक पेज पे अभी आप देख रहे हो। तस्वीरें आपके सामने हैं और किसानों की तरफ से एक जो है व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है कि हुक्के पानी का जो व्यवस्था है वो किसानों की तरफ से बनाई गई है, चाय की व्यवस्था जो है वो किसानों की तरफ से की गई है और काफ़ी तादाद में जो है वो किसान यहाँ पे मौजूद हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो किसानों की तरफ से जो है रेलवे ट्रैक पे एक लाल झंडी भी लगाई गई है जिससे कि जो कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे लगाया करते हैं रेल को रोकने के लिए। ये देखिए जो लाल झंडी जो है वो किसानों की तरफ से जो है यहाँ पे लगाई गई है ट्रेन को जो है रोकने के लिए। तो सीधी लाइव तस्वीर आप फतेहगढ़ हरियाणा रेलवे स्टेशन से अभी आप लाइव देख रहे हैं और काफ़ी सारी तादाद में जो है किसान यहाँ पे पहुँचे हैं, काफ़ी सारी तादाद में जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। अभी जो है वो आंदोलन यहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो है, कोई ऐसी असुविधा किसानों की तरफ से भी नहीं बताई गई है। तो ये जो सीधी तस्वीरें हैं वो आप चरखी दादरी के फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन से जो है वो आप देख रहे हो। फिलहाल जो है सचिव जो सांगवान खाप के सचिव हैं उन्होंने बताया कि करीबन 20 जगह हैं जो है वो रेलवे ट्रैक और रोड हाईवेज को जो है वो जाम किया जाएगा। तो और भी लाइव तस्वीरें आपको चरखी दादरी की अभी जैसे फतेहगढ़ हरियाणा की हमने दिखाई, और भी जगह पर अभी हम जाएंगे और पूरे दिन जो है वो किसान ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आपको हम पहुंचाते रहेंगे। और पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें, चलिए थोड़ा सा और आगे भी चलते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। पुलिस की जो व्यवस्था है वो बेहतरीन है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो नियुक्त किए गए हैं जगह जगह पे, पुलिस की तैनाती है, प्रशासन की तैनाती है और भी खुफिया विभाग जो होते हैं उनकी तैनाती है। तो ये जो है वो आपने देखा, ये ट्रैक जो है वो पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। ये देखिए फतेहगढ़ हरियाणा का जो है ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे बिल्कुल भी जो है असुविधा किसानों को भी नहीं और पुलिस प्रशासन को भी कोई ऐसी असुविधा नहीं है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो खाने पीने की जो व्यवस्था है वो किसानों की तरफ से बताई जा रही है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो ये जो व्यवस्था है ये किसानों की तरफ से जो है और रेलवे ट्रैक को जो है वो जाम भी किया गया है बिल्कुल पूर्ण तरीके से।
ये देखिए यहाँ पे जो व्यवस्था है वो किसानों के खाने पीने की जो व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है वो यहाँ पे है। ये देखिए ये जो व्यवस्था है ये किसानों के लिए खाने पीने की जो है वो व्यवस्था। भाई जी खाने पीने की व्यवस्था किसानों की है ना ये? अच्छा किसकी तरफ से जो है ये लंगर वगैरह किसकी तरफ से लगाया गया है? फतेहगढ़ गाँव की तरफ से। तो फतेहगढ़ गाँव की तरफ से जो है ये लंगर लगाया गया है किसानों की तरफ से। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीरें फतेहगढ़ हरियाणा के रेलवे स्टेशन से। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई शेयर करके शेयर टू ग्रुप जरूर कर दें। काफ़ी सारी तादाद में जो है वो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है और एक व्यवस्था है शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो इस ट्रैक को जाम किया गया है। ये देखिए सीधी तस्वीरें जो है रेलवे स्टेशन से, फतेहगढ़ हरियाणा का रेलवे स्टेशन, और सीधी तस्वीरें यहाँ से। प्रशासन बिल्कुल जो है वो इसमें मदद में है, सपोर्ट।